हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतू ग्रीन साइड गार्डन चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक इंडोर प्लांट की केयर को लेके बात करने जा रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ स्नेक प्लांट के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। इसकी जो लीव्स हैं यही इसकी खूबसूरती है, और इसे हम इंडोर आउटडोर कहीं भी रख सकते हैं। और इंडोर में तो ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। और ये जो प्लांट है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देता है। ये एक बहुत ही बढ़िया एयर प्यूरीफायर प्लांट है। तो आज मैं इसी के बारे में, इसकी केयर के बारे में बात करूँगी। इसको कहाँ रखना है, इसको कितना पानी देना है, क्या इसकी लोकेशन है, कब फर्टिलाइज करना है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी सॉइल के बारे में। तो देखिए, इसकी जो हमें सॉइल लेनी है वो एकदम वेल ड्रेन्ड सॉइल लेनी है, यानी कि हमें इसके लिए ऐसी मिट्टी तैयार करनी है जिसमें पानी बिल्कुल भी खड़ा ना रहे। तो उसके लिए हमें लेना है 1 पार्ट बजरी, ये जो रिवर सैंड होती है वो लें, 1 पार्ट गार्डन सॉइल और 1 पार्ट आप उसमें वर्मी कंपोस्ट ले लें, और तीनों को मिक्स करके एक अच्छे से इसके लिए सॉइल तैयार कर लें। तो ये जो हम मिट्टी बनाएंगे इसमें क्या होगा कि पानी बिल्कुल भी खड़ा नहीं रहेगा। जैसे ही हम पानी डालेंगे तो वो सीधा पॉट से नीचे से निकल जाएगा। तो इस तरीके की हमें इसके लिए सॉइल लेनी है। और अभी हम बात करते हैं इसकी वाटरिंग के बारे में। तो देखिए, क्योंकि ये प्लांट जो है सकलेंट फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इसकी लीफ में ही इनका जो पानी होता है वो थोड़ा स्टोर रहता है। तो इसलिए जब भी हमें पानी देना है इसकी सॉइल को हमेशा चेक करके देना है। अगर इसकी सॉइल सूखी हुई है, अभी तो देखिए जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको, इसकी मिट्टी गीली गीली है, तो अभी इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ये है मेरा प्लांट, ये देखिए, तो ये देखिए अभी ये इसमें इस मिट्टी इसकी एकदम गीली हो रही है। तो जब ये बिल्कुल कम्प्लीट ड्राई हो जाए पानी हमें इसमें तभी डालना है। अगर हमने अभी जैसे गीली मिट्टी में पानी फिर डाल दिया तो उससे क्या होगा कि इसमें रूट रॉट हो जाएगा और हमारा प्लांट जो गल के धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए, मैं इसमें आपको दिखाती भी हूँ, मैंने थोड़ा पानी ज़्यादा किया था। तो देखिए, ये देखिए, ये देखो, ये इस तरह से ये आपका जो प्लांट है वो गल के ख़राब होना शुरू हो जाएगा। इसलिए पानी इसमें आप हमेशा चेक करके दें, पानी ज़्यादा ना डालें। जब इसकी मिट्टी ड्राई दिखे तभी इसमें आपको पानी डालना है। और अभी हम बात कर लेते हैं इसकी लोकेशन के बारे में, इसको रखना कहाँ है। तो देखिए, इसको हमें ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पे इसके ऊपर सीधी सूरज की किरणें ना पड़े। सीधा धूप में रखने से इसके पत्ते ख़राब हो जाते हैं। तो देखिए, मैं आपको अभी दिखाती हूँ, जैसे कि मैंने ये धूप में रखा था, इस पर 1-2 घंटे की धूप आती है, तो इसके ये पत्ते यहाँ से इस तरह से ख़राब होने शुरू हो गए। ये देखिए, ये वाला है, ये है केरा, एक ये है, ऐसे इसके 3-4 पत्ते जो हैं ये धूप में रखने से ही ख़राब हुए। और अब मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला, ये थोड़ा शेड में रहता है, तो इसकी सारी लीफ एकदम से सही है। ये देखिए, इसमें कुछ भी ख़राबी नहीं है, इसकी सारी लीफ एकदम ठीक है। और ये वाला भी शेड में रहता है, तो इसको हमें इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखना है, सीधे सनलाइट में इसको बिल्कुल भी नहीं रखना है। और चलिए, अभी हम बात करते हैं इसकी प्रोपोगेशन के बारे में, इसको हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, एक तो तरीका ये है कि खुद ही अपने आप ही मल्टीप्लाई होता रहता है। जैसे कि अभी मेरा ये प्लांट है, इसको मैं ये वाला लेके आई थी और इसमें से ये इसके 2 पॉप्स अपने आप निकल आए, तो ये धीरे धीरे क्या होगा कि पूरा गमला मेरा ये भर जाएगा, इसमें बेबी पॉप्स अपने आप निकलते रहेंगे। तो एक तो ये खुद ही मल्टीप्लाई होता रहता है। दूसरा तरीका ये है कि अगर हमें इसको मल्टीप्लाई करना है तो हम इसकी लीव को कट करके मिट्टी में लगा दें, यहाँ से इसको कट कर दें, या फिर जैसे मेरा ये वाला प्लांट है, तो देखिए जैसे मैंने ये इसको मैंने ऐसे मिट्टी में लगा दिया था और इसमें से ये रूट्स आनी ये शुरू हो गई, ये देखिए। और मैं अभी आपको एक और दिखाती हूँ, ये रहा, ये मैंने लगाया था, इसको 1-1.5 महीना हो गया, तो इसमें ये रूट्स आनी शुरू हो गई। तो इस तरह से इसमें से नए प्लांट बनने अपने आप शुरू हो जाते हैं। जैसे इसमें रूट्स आएंगी तो इसमें से दूसरा स्नेक प्लांट निकल आता है अपने आप। और एक तरीका और है कि आप इसकी लीफ को पानी में भी लगा सकते हैं, पानी में भी इसकी रूट्स निकल आती हैं और उससे भी हमारा एक नया प्लांट
अपने आप बनना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, बहुत इजीली ये प्रोपोगेट हो जाता है। और अभी हम बात करते हैं इसके इन्फेस्टेशन के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, इसमें इतनी आसानी से कोई भी कीड़ा नहीं लगता है, इसमें मैंने तभी तक कोई देखा नहीं है। लेकिन प्रिकॉशन के लिए आप इसमें हर महीने नीम ऑयल या फिर साफ फंजीसाइड या फिर कोई भी और फंजीसाइड जो भी आपको मिले उसका आप स्प्रे इस पर कर सकते हैं, तो इसमें कोई भी इन्फेस्टेशन की समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। और अभी हम बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र के बारे में। तो देखिए, इस प्लांट को कुछ ज़्यादा खास फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, साल में एक बार आप इसको गोबर खाद या फिर सीवीड जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पानी में डाल के आप इसको दे दें तो वो इसके लिए सफिशिएंट है। ज़्यादा खाद देने से भी प्लांट ख़राब हो जाते हैं और इसको तो वैसे भी कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो बस इसमें आप गोबर की खाद की ही इसमें डालें वो इसके लिए काफ़ी है। और चलिए अभी हम बात कर लेते हैं इसके पॉट के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए जहाँ तक हो सके आप छोटा पॉट ही लें, क्योंकि अगर हम इसके लिए बड़ा पॉट ले लेते हैं तो उससे क्या होता है कि पानी फिर ज़्यादा डलता है और फिर हमारा प्लांट जो उससे ख़राब होने लगता है। तो इसलिए पॉट का सिलेक्शन हमेशा आप देख के करें और छोटा ही लें। और दूसरी बात यह है कि पॉट जो है मिट्टी का अगर हो तो वो बहुत अच्छा है, और अदरवाइज़ नहीं तो फिर प्लास्टिक के और सिरेमिक तो है ही। और सिरेमिक में क्या है कि थोड़ा अच्छा लगते हैं, हम इनको इंडोर भी रखते हैं तो काफ़ी सुंदर से दिखते हैं, तो वो आप अपनी सुविधा अनुसार देख के कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्नेक प्लांट के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी, अगर आपको ये सब अच्छी लगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।